Very good morning, everyone. Okay, so today we are going to start MS Excel, which is really a very useful software. Okay, and what is the use of Excel? Of course, I will definitely tell you, and you have to listen each and every word. Okay, because there will be questions upon my discussion. जो मैं discussion कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर भी questions होते हैं. So be very particular, अपने ears open कर लो. Yes, so ये है हमारा Microsoft Excel. अच्छा, PowerPoint में लगभग we have learned many things. Till if I get any new thing, I will definitely share with you. But जो basic है, वो आपको बता दिया गया है. Next, let us open MS Excel. So when we open MS Excel, so what we find? We find a worksheet. This is called worksheet, and you can see worksheet is the combination of columns जो कि A B C D नाम से होता है, और you can find row जो कि 1, 2, 3, 4 में रहता है. ठीक है, so if you want to know the last row, ठीक है, this is called worksheet जो कि table, इसे table भी कहते हैं ना, this is known as table. So you can see the last row. Yes. Oh my God, the train. So it is 10 lakh na? 10,48,576 rows है. और अगर कॉलम की बात करें तो let me tell you, कॉलम का नंबरिंग कैसे करेंगे हम? A से लेकर Z तक हो जाएगा 26, फिर Z के बाद शुरू होता है A A A B A C, I think you know that, और total number of जो कॉलम है, let me tell you, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, अरे बाप रे, बहुत सारा है, 16,384, और लास्ट कॉलम का नंबर क्या है? XFD. तो इससे भी कई बार सवाल बनता है, व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट, तो दैट इज XFD, और नंबर में देखेंगे तो 16,384, और रो का आखिरी रो का नंबर याद है किसी को? लास्ट रो, यस, कैन एनीबडी टेल मी, लमसम ही बता दो किसके आसपास था, कितना लाख? अरे कोई देख नहीं रहा, नो वन इज वॉचिंग, ओह माय गॉड, लास्ट वाला रो कितना था? 10 लाख, 10,48,576. So really it is a huge worksheet, और ये पूरा worksheet fill करने के लिए आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? So we are not going to do that. Well, so this is called worksheet, and when you open MS Excel, by default you will find 3 worksheets, as you can see at the bottom where my mouse is moving, sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. You can rename them. इसका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन by default 3 worksheets हमारे सामने होते हैं. Now, what is the use of MS Excel? It is a very useful software, as I already told you. But what we can do? तो देखो, मैं हम लोग Excel में क्या-क्या कर सकते हैं? First जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं? Data analyze. ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट इन्वेंट्री. ठीक है, थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जो बेसिक कैलकुलेशंस है, दैट वी कैन डू. ठीक है, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो हम लोग क्या बना सकते हैं? डेटाबेस. ठीक है, क्लियर? ओके, अब कैलकुलेशन से रिलेटेड और क्या क्या है जो हम हमारे आसपास होता है? जैसे आप शॉप में जाते हो तो बिलिंग होता है ना, बिलिंग. सो बिलिंग भी आप
ये एमएस एक्सेल से कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। सो वी कैन ऑल्सो राइट बिलिंग। सो दीज आर द वर्क्स वी कैन डू इन एमएस एक्सेल, डेटा एनालिसिस, इन्वेंट्री, बेसिक कैलकुलेशन, डेटाबेस बिलिंग, एंड ऑफ कोर्स वन मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मार्कशीट एनालिसिस, ठीक है। हम लोग मार्कशीट का भी एनालिसिस कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर ऑल द यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल के जितने भी यूज है सबको याद रखो, काम आएगा ये, क्लियर, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि वर्कशीट जो है वो रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन है, एंड रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो ये बॉक्सेस बने हैं जिसमें हम डेटा टाइप करते हैं, लाइक सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद टैब दबाएंगे तो आप अगले सेल, अगले बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल, उसके बाद सिटी। सो दिस बॉक्स इज नोन एज सेल, और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है, एवरी सेल हैज इट्स ओन यूनिक आईडी, एंड व्हाट इज द आईडी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नंबर एंड रो नंबर, ठीक है। जैसे कि सिटी में क्लिक करता हूं मैं, तो सिटी का कॉलम नंबर क्या है, सी, और रो नंबर क्या है, वन, तो सिटी का जो सेल एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा C1, ठीक है, क्लियर। अभी मुझे बताओ इस वर्कशीट के जो एकदम कॉर्नर वाला सेल होगा उसका एड्रेस क्या होगा, चलो कौन बता सकता है, जल्दी बताओ, अगर बता दिए तो मतलब तुम लोगों को याद है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। सबसे आखिरी वाला सेल का एड्रेस क्या होगा, यस आई एम वेटिंग, बताओ। पहले आता है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर क्या है, लास्ट कॉलम नंबर है XFD, और रो नंबर क्या है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, यस आर यू देयर, अगम, आर्यन, भूमि, भूमिका, कृषिका, मिति, मौली, प्रखर, राघव, साक्षी, यस सर, लास्ट, हाँ बेटा, द एड्रेस ऑफ लास्ट सेल है ना, ये बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, और हर एक सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसे हम लोग सेल एड्रेस कहते हैं, ठीक है, तो लास्ट वाले सेल का एड्रेस क्या होगा, यस प्रखर के तरफ से आया है XFD 10,48,576, करेक्ट। सो दिस विल बी द सेल एड्रेस ऑफ लास्ट सेल, हालांकि इतना तो हम लोग कभी यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वेल, सो सेल एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि एक्सेल का यूज कैलकुलेशंस के लिए भी होता है, तो कैलकुलेशन के टाइम हम सेल एड्रेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज एक छोटा सा एक डेटा शीट हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, नेम, सिटी, सैलरी, बोनस, ठीक है। सपोज दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय को बोनस देते हैं। तो सपोज आपके पास 10 वर्कर हैं, सो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फिल करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो व्हाट वी कैन डू, 1 और 2 लिखने के बाद, है ना, 1 और 2 लिख दो, उसके बाद दोनों सेल को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू मूव द माउस पॉइंटर एट द कॉर्नर, ठीक है। देखो अभी ये क्या है, ये भी प्लस है, अब कॉर्नर में ले जाने से भी वो प्लस में बदल जाता है, लेकिन डिफरेंस है। So you have to move your mouse pointer at the very corner and then you have to drag it. Drag मतलब जानते हो, left button press करके उसे नीचे खींचना है, तो ये आ जाएगा हमारा serial number. ठीक है, अब name आप दे सकते हो, ठीक है, you can give name. Okay, then city लिख देते हैं, then salary, okay, so
सबसे ज्यादा सैलरी अमृता का है, क्या बात है, 85,000। नाउ सपोज आपको बोनस देना है, ठीक है, बोनस ऐसे नॉर्मल बोनस नहीं देना है, आपको परसेंटेज पे बोनस देना है, मतलब किसके सैलरी के, क्लियर। अच्छा पहले से नॉर्मली देख लेते हम लोग, सपोज आप चाहते हो कि सबको 6,000 का बोनस मिल जाए, ठीक है, तो 6,000 कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो फील इट, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू सी द टोटल सैलरी, अगर सैलरी और बोनस मिला के कुल सैलरी आपका कितना होगा, क्लियर। सो हियर यू कैन सी हाउ टू ऐड, आई थिंक यू नो, फिर भी एक बार देख लो कि टोटल कैसे होगा। सो व्हाट वी हैव टू ऐड, वी हैव टू ऐड D2 प्लस E2। हम लोग सेल वैल्यू देखो यहाँ पर 56,200 जो है ये, दिस इज सेल वैल्यू, बट व्हेन वी आर डूइंग कैलकुलेशन वी विल टेक सेल एड्रेस नॉट वैल्यू। उसका रीजन है, क्या रीजन है अभी समझ में आ जाएगा। सो वी विल ऐड D2 प्लस E2। सो हाउ टू डू दैट, कई सारे तरीका है, मैं एक आसान सा तरीका बता सकता हूँ, दैट इज यू हैव टू प्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल सैलरी के नीचे आके इज इक्वल टू, उसके बाद आप क्लिक कर दो सैलरी पे, एज यू क्लिक ऑन सैलरी सो ऑफ कोर्स द सेल एड्रेस विल अपीयर, देन प्लस उसके बाद आप क्लिक कर दो बोनस पे, तो फिर सेल एड्रेस आ जाएगा। सो D2 प्लस E2 एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर। वेल सो वी हैव गॉट 62,200, क्लियर। वन मोर टाइम यू कैन सी यू हैव टू प्रेस इज इक्वल टू, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सैलरी, देन प्लस, देन क्लिक ऑन बोनस, क्लियर, एंटर आ गया। अब बार बार नहीं करना है तो यू कैन डू दिस ड्रैग, माउस पॉइंटर को कॉर्नर में ले जाओ, देन यू हैव टू ड्रैग इट। सो सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेल एड्रेस एंड सेल वैल्यू। मैं ये जो टोटल सैलरी अमन का लाया हूँ ना, अमन का सैलरी, वो मैं ऐसे भी ला सकता हूँ, इज इक्वल टू 56,200 प्लस 6,000, ठीक है। देखो आंसर आ गया ना, दोनों सेम आंसर तो आया है, 62,200, बट फर्क क्या होगा, इन केस यू चेंज द बोनस, सपोज बोनस को 8,000 कर दोगे तो क्या चेंज दिखा, किसी को कोई चेंज दिखा गया, बताओ एक बार। यस माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी अ रिस्पांस। यस सर। क्या चेंज सर, टोटल सैलरी 64,200। हाँ तो ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, 64,000 करेक्ट है कि 62,200 करेक्ट है, ऑफकोर्स 64,000 है ना। तो अगर आप सेल वैल्यू यूज करते हो तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए कोई भी कैलकुलेशन करना हो वी विल यूज सेल एड्रेस। उससे ये होगा कि अगर वो बदलता भी है, अगर मैं इसे 20,000 कर दूं तो ऑटोमेटिकली टोटल सैलरी बदल जाती है, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेल एड्रेस, ठीक है। अब मान लो कि बोनस हम लोगों ने क्या डाल दिया है, बोनस ऐसे अपने मन से डाल दिए हैं, लेकिन अब मान लो कि आपको कहा गया कि आप जो है सैलरी का सपोज 25% आपको बोनस देना है, ठीक। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव 20% ऑफ सैलरी, मैं इसको इधर लेके आता हूं, ठीक है, या फिर इसको आप यहां भी लिख सकते हो बोनस 25% ऑफ सैलरी। अच्छा हिंदी में ऑफ का मतलब क्या होता है, सॉरी मैथ में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लाई। तो सैलरी का हमें 25% बोनस देना है, तो ध्यान से देखो क्या करना है, एक मिनट बचा है तब तक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज इज इक्वल टू, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सैलरी, अभी अमन का निकाल रहे तो ऑफकोर्स अमन के सैलरी में क्लिक करेंगे, D2 आएगा, देन यू हैव टू गिव मल्टीप्लीकेशन साइन जो कि एस्ट्रिक साइन है, स्टार साइन दिखता है, इंटू कितना परसेंट देना है, तो 25%, तो सैलरी इंटू 25/100, ये एक तरीका है, ठीक है। और एक तरीका है वो ही बता रहा हूँ,
So in this way you can calculate 25% of salary. ठीक है, एंटर दबा दो. तो as you click on enter, so you will find that ये जो 5000 है वो 20000 का कितना है, 25%. इसे मैं अगर बढ़ा भी देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ जाएगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेल एड्रेस. फिर से एक बार देख लो. अब मैं अमित का निकालना चाहता हूँ, तो अमित के सैलरी पे क्लिक किया और D3 आ गया इनटू 25 अपॉन 100. इसके बाद एंटर, इसका भी आ गया. और एक तरीका ये है कि आप सैलरी पे क्लिक करो इनटू 25, कीबोर्ड से आप परसेंट का साइन ढूंढो जो कि 5 में है, ऊपर में 1 2 3 4 5 वाले लाइन में. इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, या अपॉन 100 लिख के भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे. सो यहाँ पर हमने बोनस कितना दिया, 25% ऑफ सैलरी, इसीलिए सबका अलग अलग आया. क्लियर.